Hello students, in the last lecture we have discussed about the heredity and variation. We have discussed about their definitions. I gave just a brief idea about the evolution, how the variations they are responsible to cause the evolution in the organism. Now in that lecture I told you about the pioneer scientist behind the genetics is about the Gregor John Mendel, who is also known as the फादर ऑफ जेनेटिक्स. तो थोड़ा सा हम उनके बारे में देखेंगे कि हु वॉज ग्रेगर जॉन मेंडल एंड व्हाट वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल हिज जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम 1822, लाइफ जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम 1822 टू 1884. ठीक है, he died in 1884, he took birth in 1822. So he took birth in a very poor family, a poor farmer family in 1822 in Austria. Us samay jo hai it was in Czechoslovakia, but later it is known as in they are present in the Austria. He was an Austrian monk basically, and his schooling started from a very from a village school. Later he entered the Augustinian monastery in 1843 as monk. तो वहां पे क्या था, मोनेस्ट्री की जो गार्डन थी उसमें बहुत सारे एक्चुअली वो फार्मिंग करते थे, बहुत सारे प्लांट्स क्रॉप्स ग्रो होते थे, तो वो वहां पे फार्मिंग भी करते थे. उनको फार्मिंग का बड़ा शौक हुआ करता था, तो उन्होंने क्या किया कि ही स्टार्टेड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स विद द गार्डन पी प्लांट. ठीक है, तो उनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, द एक्सपेरिमेंटल प्लांट विच ही यूज्ड, द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल विच ही यूज्ड वाज गार्डन पी का बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सेटाइवम. तो उन्होंने पाइसम सेटाइवम गार्डन पी के प्लांट्स को कई जेनरेशन तक ग्रो किया, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो है ही परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट फॉर अबाउट 9 ईयर्स, फ्रॉम 1854 टू 1863. 9 सालों तक उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उसके बाद उन्होंने उनके रिजल्ट्स आए, जो डेटा आए, उसको उन्होंने एक जनरल था, दैट वाज अ वेरी ऑब्स्क्योर जनरल. उस जनरल में उन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया, उसमें अपने उन्होंने जो फाइंडिंग्स थी उसको पब्लिश की. राइट, तो ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग इन अ पेपर. उस पेपर का नाम क्या था, पेपर एंटाइटल्ड एज द एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. इस पेपर के नाम से उन्होंने अपना जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने फाउंड किया था इस पेपर में उन्होंने पब्लिश किया. और ये पेपर जो था, दिस पेपर वॉज पब्लिश्ड इन अ जर्नल, एक जर्नल में पब्लिश हुआ था. दैट वॉज अ वेरी ऑब्स्क्योर जर्नल. द जर्नल, द नेम ऑफ दैट जर्नल इज एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून 1865. एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून इन 1865. एक्चुअली इन्होंने, मैंने बताया कि ये ही ज्वाइन द ऑगस्टीनियन मोनेस्ट्री इन ब्रून. ब्रून को अभी हम ब्रूनो के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो इट वॉज इन ऑस्ट्रिया. तो वहां पे ही उन्होंने एक जर्नल था. द नेम ऑफ दैट जर्नल इज एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून. एक्चुअली ये जो पेपर का नाम है और ये जर्नल का नाम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, सो उसको आप लर्न करिएगा अच्छे से. तो उन्होंने इस जर्नल में ये पेपर पब्लिश किया, और इस पेपर में उन्होंने अपनी जो भी रिकॉर्ड्स थे, जो फाइंडिंग्स थे, उसको पब्लिश किया. राइट, उन्होंने क्या किया था, ही टुक पी प्लांट एंड ही स्टडीड 7 कैरेक्टर्स. पी प्लांट में उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी करी थी,
और वो सातों कैरेक्टर्स जो थे, ऑल दोस सेवन कैरेक्टर्स वर द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मीन्स उसमें कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे. मान लो कैरेक्टर प्लांट हाइट लिया, तो प्लांट हाइट का कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या क्या होते हैं, या तो हाइट टॉल होगी या हाइट शॉर्ट होगी. मान लो उसके फ्लावर का कलर लिया, तो दो तरह के ये फ्लावर के कलर थे, या तो वायलेट कलर होता था फ्लावर का या व्हाइट होता था. इस तरीके से उन्होंने सात ऐसे कैरेक्टर्स लिए जिनके की कंट्रास्टिंग ट्रेट्स प्रेजेंट थे, राइट. तो अब देखते हैं वो कौन कौन से कैरेक्टर्स थे. ही टुक सेवन कैरेक्टर्स, ही स्टडीड सेवन कैरेक्टर्स विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स and let's make a chart, let's make a table. I'm making a table here of all those characters. जिसमें से कि अभी हम terminology लेंगे, कुछ characters जो थे दो तरीके के characters होते हैं, दो तरीके के traits होते हैं. हर character के दो traits होते हैं, एक dominant होता है एक recessive होता है. Dominant character वो होता है जो कि किसी generation में express होता है. तब एक्सप्रेस होता है जबकि डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर के ट्रेट एक साथ आ गए. डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट एक साथ आ जाएंगे और उसमें जो डोमिनेंट ट्रेट रहेगा वो एक्सप्रेस हो जाएगा. मतलब अभी आप देखेंगे कि मैं टर्मिनोलॉजी बताऊंगी कि मान लो प्लांट की हाइट का डोमिनेंट ट्रेट भी आ गया, मतलब टॉनलेस की भी कैरेक्टर आ गई और डॉफनेस की भी कैरेक्टर आ गई, शॉर्ट हाइट की भी कैरेक्टर आ गया. तो क्या होगा, जब दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट रहेंगे तो टॉलनेस जो है ना वो शॉर्ट हाइट को मास्क कर देगा. टॉलनेस विल मास्क द डॉफनेस. तो जो कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर को मास्क करता है वो कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, एंड द कैरेक्टर विच इज मास्क्ड अपॉन बाय द अनदर कैरेक्टर दैट इज द रेसेसिव कैरेक्टर, राइट. सो ही टुक सेवन कैरेक्टर्स एंड दो सेवन कैरेक्टर्स आर, दिस इज द सीरियल नंबर कैरेक्टर्स. और कैरेक्टर्स में भी मैंने बताया एक डोमिनेंट होता है और द अनदर कैरेक्टर इज अनदर ट्रेट इज रेसेसिव, राइट. तो पहला कैरेक्टर उन्होंने लिया स्टेम हाइट, प्लांट की जो हाइट थी उसको पहले कैरेक्टर लिया. तो स्टेम हाइट में टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट एंड ड्वार्फनेस इज द रेसेसिव ट्रेट. इसके बाद ही टुक द कैरेक्टर फ्लावर कलर, हम इसको बना लेते हैं इस टेबल को यहां पे. ही टुक सेवन कैरेक्टर्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. सेकेंड कैरेक्टर वॉज फ्लावर कलर. पाइसम सेटाइवम का जो में दो के फ्लावर में दो कलर होते हैं, वायलेट और व्हाइट. तो जो वायलेट कलर होता है वो डोमिनेंट होता है और व्हाइट कलर का फ्लावर जो होता है इट इज रेसेसिव. थर्ड कैरेक्टर विच ही टुक इज द फ्लावर पोजीशन. फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन भी दो तरीके की होती है, एक्सियल पोजीशन पे होता है और या फिर टर्मिनल. तो एक्सियल पोजीशन इज डोमिनेंट एंड टर्मिनल पोजीशन इज रेसेसिव. अब आप सोचोगे व्हाट इज एक्सियल पोजीशन एंड व्हाट इज टर्मिनल पोजीशन. तो एक एग्जांपल जस्ट मैं दिखा रही हूँ, सपोज ये प्लांट है, ठीक है, दिस इज प्लांट, ये इसकी ब्रांचेज है. तो ब्रांचेज जो होते हैं दे अराइजेज फ्रॉम द नोड, ठीक है. सो यहां पे जहां से ब्रांच अराइज होता है दैट फॉर्म्स द एक्सिस. इस एक्सिस पे, इस एक्सिस से जो फ्लावर ओरिजिनेट होगा, दिस पोजिशन विल बी नोन एज द एक्सियल पोजिशन, एक्सियल पोजिशन ऑफ द फ्लावर. कहीं भी एक्सिस से जो फ्लावर अराइज होता है दिस पोजिशन विल बी नोन एज द एक्सियल फ्लावर. मान लो ये जो सेकेंडरी ब्रांच है इसके बाद इसके भी टर्शरी ब्रांचेज हैं, ठीक है. मान लो ये जो सेकेंडरी ब्रांच है इसकी भी टर्शरी ब्रांचेज हैं, तो जो टर्शरी ब्रांचेस की भी जो एक्सेस से नोड से जो फ्लावर अराइज होगा, अगेन इट इज नोन एज द एक्सियल फ्लावर. बट द फ्लावर विच ओरिजिनेट एट द टर्मिनल पोजिशन ऑफ द ब्रांच, किसी भी ब्रांच के या मेन शूट के टर्मिनल पोजिशन पे जो फ्लावर ओरिजिनेट होगा दैट फ्लावर पोजिशन विल बी नोन एज द टर्मिनल. तो अगर मान लो फ्लावर यहां पे ओरिजिनेट हो रहा है, यहां पे बॉर्न हो रहा है, यहां पे फ्लावर ग्रो हो रहा है, तो दिस विल बी नोन एज द टर्मिनल पोजिशन, राइट. दिस इज द एक्सियल पोजिशन ऑफ द फ्लावर एंड दिस इज द टर्मिनल पोजिशन ऑफ द फ्लावर. दिस इज ऑल्सो द टर्मिनल पोजिशन ऑफ द फ्लावर. सो
ये हो गया फ्लावर पोजिशन. नेक्स्ट कैरेक्टर विच हिट ऑफ वॉज द पॉड शेप, जो आप मटर की फलियां लिखते हो ना, अभी सर्दियों का सीजन है, खूब ग्रीन मटर ग्रीन पीज आपके घर में आ रही होगी, तो आप उसके पॉड शेप को ऑब्जर्व करना. राइट, तो पॉड शेप दो तरीके का होता है, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड. राइट, इन्फ्लेटेड कैसा होगा, सपोज दिस इज द पॉड, तो दिस इज इन्फ्लेटेड शेप. और अगर ये ही जो है यहां पे थोड़ा सा इस तरीके से इस तरह की मार्जिन प्रेजेंट होगी, देन इट इज नोन एज द कॉन्स्ट्रिक्टेड. सो पॉड शेप इज इन्फ्लेटेड, जो इन्फ्लेटेड कैरेक्टर है पॉड शेप का, दिस इज द डोमिनेंट ट्रेट, एंड इफ इट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड इट शोज द रेसेसिव ट्रेट. अनदर कैरेक्टर वॉज पॉड कलर. पॉड कलर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ग्रीन कलर का भी होता है और येलो कलर का होता है. तो जो ग्रीन कलर का पॉड का कलर होता है, इट इज डोमिनेंट. राइट, तो ग्रीन कलर ऑफ द पॉड इज डोमिनेंट एंड येलो कलर ऑफ द पॉड इज रेसेसिव. नेक्स्ट कैरेक्टर विच ही टुक वॉज द सीड शेप. ठीक है, सीड शेप जो होता है दो तरीके की, जो ग्रीन पीज होती हैं उनके सीड शेप दो तरीके का होता है. एक तो एकदम स्मूथ होगा, राउंड एंड बिल्कुल स्मूथ होगा. ठीक है, तो राउंड शेप होता है, दैट इज डोमिनेंट ट्रेट, एंड इफ इट इज रिंकल्ड, ठीक है, देन इट इज रेसेसिव ट्रेट. तो राउंड एंड रिंकल्ड टू ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन द सीड शेप. नेक्स्ट एंड द लास्ट कैरेक्टर विच इट टुक इज द सीड कलर. सीड कलर, पॉड का ग्रीन कलर डोमिनेंट होता है और येलो कलर रेसेसिव होता है, बट सीड का येलो कलर डोमिनेंट होगा और ग्रीन कलर जो है वो रेसेसिव होता है. येलो इज डोमिनेंट सीड, येलो सीड कलर इज डोमिनेंट एंड ग्रीन सीड कलर इज रेसेसिव. तो ही टुक दीज सेवन कैरेक्टर्स एंड ऑल दीज सेवन कैरेक्टर्स दे वर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, सारे एक क्रोमोसोम पे नहीं प्रेजेंट थे, जितने भी ये सात पेयर के सात पेयर्स ऑफ कैरेक्टर उन्होंने लिए थे, ऑल दिस सेवन पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स. राइट, तो दे आर प्रेजेंट, ऑल द कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर्स. कौन कौन से पेयर थे, क्रोमोसोम नंबर वन, क्रोमोसोम नंबर फाइव, क्रोमोसोम नंबर सेवन, वन फोर फाइव एंड सेवन, इन क्रोमोसोम्स पे ये सारे कैरेक्टर प्रेजेंट थे. राइट, नाउ मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1865 में, मतलब 1854 से लेकर 1863 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उसके बाद 1865 में इसको पब्लिश किया, बट मैंने बताया था कल भी कि इट वॉज वेरी सैड टू नो दैट हिज वर्क रिमेन अननोटिस्ड टिल 34 ईयर्स. हिज वर्क केम टू नॉलेज टू द होल वर्ल्ड आफ्टर हिज डेथ. उनके डेथ के बाद पूरे वर्ल्ड को पता चला उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में, व्हाट ही डिड एग्जैक्टली इन द फील्ड ऑफ द जेनेटिक्स. राइट, सो हिज वर्क रिमेन अननोटिस्ड. व्हाई, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द रीजन दैट हिज वर्क remained unnoticed, unnoticed till 34 years. यानी कि 1900 में उनकी डेथ के बाद उन्होंने डिस्कवरी तो कर ली, पब्लिश कर लिया 1865 में, then he died. After 1866 में और भी लोगों को पता चला था, तो 1866 के बाद 1900 में देन देर वर थ्री साइंटिस्ट हु रीडिस्कवर्ड द मेंडल्स वर्क. लेकिन उन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि व्हाई हिज वर्क रिमेन्ड अननोटिस्ड. तो पहला क्या था, रीजन क्या था, व्हाई, तो फर्स्ट रीजन ये था कि उन्होंने जो अपनी फाइंडिंग पब्लिश की थी ना, दैट फाइंडिंग वॉज पब्लिश्ड इन एन ऑब्स्क्योर जर्नल. तो पहला रीजन क्या था कि इट वॉज पब्लिश्ड इन एन
ऑब्स्क्योर जनरल. दूसरा क्या था रीजन कि उस समय के जो साइंटिस्ट थे 1800 से लेकर 1900 के बीच में, चार्ल्स डार्विन वॉज वेरी पॉपुलर फॉर द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. तो ड्यूरिंग दैट टाइम द साइंटिस्ट देवर प्री ऑक्यूपाइड विद द कॉन्ट्रोवर्सीज थ्रोन अप बाय द चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, राइट. तो क्या हुआ था सेकेंड रीजन कि साइंटिस्ट वर प्री ऑक्यूपाइड, विद द कॉन्ट्रोवर्सीज थ्रोन अप बाय Darwin's theory of origin of species. तो क्या हुआ, साइंटिस्ट ने उनके इस फाइंडिंग्स पे ध्यान ही नहीं दिया. जो दूसरे साइंटिस्ट थे बायोलॉजिकल वर्ल्ड के, दे डिड नॉट गिव एनी अटेंशन टू हिज फाइंडिंग्स, राइट. सो दिस वॉज द सेकेंड रीजन. थर्ड रीजन वॉज दैट के साइंटिस्ट दे वर इग्नोरेंट अबाउट द साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. उस समय के साइंटिस्ट जो थे ना, उनको पता ही नहीं था, दे वर नॉट अवेयर अबाउट द साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी. सो थर्ड रीजन वॉज दैट साइंटिस्ट वर इग्नोरेंट अबाउट साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिस ऑफ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, आप दोनों कुछ भी लिख सकते हैं. उसके अलावा क्या था, मेंडल का जो कंसेप्ट था ना, इट वॉज फार अहेड ऑफ हिज टाइम. बहुत बहुत आगे का कंसेप्ट उन्होंने दिया था जो कि लोगों को समझ ही में नहीं आया. एंड द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट ही यूज हिज मैथमेटिकल नॉलेज. He used his mathematical skills or basis to explain the biological phenomena. और उस समय क्या था, साइंटिस्ट biological world के साइंटिस्ट, they were totally against this. They did not believe over the Mendel's experiments and the findings. They could not digest कि how मैथमेटिक्स कैन बी अप्लाइड टू एक्सप्लेन द बायोलॉजी. ठीक है, उस समय साइंटिस्ट को, बायोलॉजिकल वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट, उनको समझ ही नहीं आया कि मैथ्स को कैसे यूज कर सकते हैं आप बायोलॉजी को एक्सप्लेन करने में, राइट. सो द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन वॉज दिस दैट ही यूज मैथमेटिकल बेसिस टू एक्सप्लेन हिज द बायोलॉजिकल फिनोमेना. ही यूज मैथमेटिकल basis to explain biological phenomena. और उस समय के scientists होते, they were not in favor, they were not ready to accept this, right. So these were the reasons that his work remained unnoticed till 34 years. Now the rediscovery of Mendel's work. उसके बाद मेंडल के जो उन्होंने वर्क परफॉर्म किया था, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, इट वॉज रीडिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट इन 1900. इन किस सन में हुआ, किस ईयर में हुआ, इन 1900 में 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको रिडिस्कवर किया. एंड दो साइंटिस्ट वर, नंबर 1 इट वॉज ह्यूगो डी व्रीज, ही वॉज अ साइंटिस्ट फ्रॉम द हॉलैंड. अनदर साइंटिस्ट वॉज कार्ल कोरेंस एंड ही वॉज फ्रॉम जर्मनी. एंड द थर्ड साइंटिस्ट वॉज इटसेल्फ फ्रॉम द ऑस्ट्रिया एंड इट वॉज ही वॉज एरिक वॉन टिशनमार्क.
इन्होंने ही वॉज सेल्फ फ्रॉम द ऑस्ट्रिया मेंडल ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम द मेंडल जो थे वो भी ऑस्ट्रिया के थे. सिलीसिया में ही टुक बॉर्न. उस समय सिलीसिया इट कम्स अंडर द चेकोस्लोवाकिया. बाद में शिफ्टेड टू ऑस्ट्रिया. नाउ कार्ल कोरेंस आउट ऑफ दीज थ्री साइंटिस्ट तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग इंडिपेंडेंटली दे परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट विंडल्स एक्सपेरिमेंट सेपरेटली. इन्होंने साथ में परफॉर्म नहीं किया था. दे परफॉर्म मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सेपरेटली इन केस ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स में ही किया इन तीनों ने ही जो है दे परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन प्लांट्स. एंड लेटर ऑन इट वॉज कॉल कोरेंस. कॉल कोरेंस ने क्या किया ही रेज द स्टेटस ऑफ मेंडल्स टू जनरलाइजेशन. मेंडल ने जो जनरलाइजेशन दिए थे अपने पेपर में उन्होंने उन जनरलाइजेशन का स्टेटस को रेज किया एंड ही गेव द स्टेटस ऑफ दो जनरलाइजेशन द स्टेटस ऑफ लॉ. उन्होंने उन जनरलाइजेशन को लॉ के फॉर्म में रेज किया. ठीक है. तो इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द कार्ल कोरेंस. सो ही रेज द स्टेटस ऑफ मेंडल्स टू जनरलाइजेशंस. मेंडल के जो जनरलाइजेशंस थे टू द लेवल ऑफ लॉ ऑफ हेरिडिटी. टू द लेवल ऑफ लॉ ऑफ हेरिडिटी. और उन्होंने दो जनरलाइजेशन को लॉ ऑफ हेरिडिटी के लेबल मतलब लॉज का लेबल दिया. एंड दीज टू लॉज आर नंबर वन इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड अंदर वॉज इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैं अभी आगे जब हम लोग सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट and the second law is law of independent assortment. ठीक है. बेटसन ने तो पहले मैंने बताया कि जिन्होंने रीडिस्कवर किया. मेंडल ने भी क्या किया था प्लांट के केस में जेनेटिक्स की स्टडी करी एंड ही गेव इट जनरलाइजेशन. रीडिस्कवरी हुई वो भी प्लांट्स के में ही रीडिस्कवरी हुई. ठीक है. दे ऑल दिस थ्री साइंटिस्ट दे परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन प्लांट. बट लेटर इन 1902 डब्ल्यू बेटसन ही टोल्ड द वर्ल्ड दैट मेंडल्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू एनिमल्स टू. ठीक है. तो बेटसन ने 1902 में इन 1902 बेटसन उन्होंने बताया कि मेंडल्स लॉ can be applied to animals also, right? So this was the rediscovery about the rediscovery of Mendel's work. Now what are the reasons for Mendel's success? Next, we will discuss the reason for Mendel's success. Reasons for Mendel's success. So, what the reasons for Mendel's success? Because it was not the Mendel only who performed for the first time this experiment. Yes, Mendel was the man who for the first time gave the mechanism for the transmission of characters from one generation to the another generation to the next generation. So he was the first who gave mechanism for transmission of characters or the traits from one generation to next. See that? To the next generation. But
ये लेकिन मेंडल के पहले बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स को, जिन्होंने हेरिडिटी को स्टडी करी थी, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल इन गिविंग द मैकेनिज्म ऑफ दिस ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स, राइट? दैट्स व्हाई मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ऑल्सो फादर ऑफ पायनियर ऑफ, इज ऑल्सो नोन एज द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, राइट? सो वट वर द रीजन फॉर मेंडल सक्सेस? पुराने लोग क्यों नहीं सिलेक्ट सक्सेसफुल हुए, क्यों मेंडल सक्सेसफुल हुए? कुछ रीजन्स देखते हैं. तो पहला रीजन तो क्या था कि ही परफॉर्म द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम. उन्होंने एक बार में एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को परफॉर्म किया और स्टडी की. सो ही स्टडीड फर्स्ट इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम, ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम. एक बार में एक ही कैरेक्टर को स्टडी करी, जबकि दूसरे साइंटिस्ट ने, उनके पहले के साइंटिस्ट ने क्या किया था, दे परफॉर्म द स्टडी ऑन अ होल ऑर्गेनिज्म, ऑन द होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक पूरे ऑर्गेनिज्म को ही उन्होंने जो है स्टडी करी थी, उसके उनके किसी एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर उन्होंने स्टडी नहीं करी थी. सेकेंड रीजन था कि मेंडल ने जो जेनेटिक्स, जो इनहेरिटेंस को स्टडी करी थी, ही परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट फॉर सेकेंड अप टू द सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन. उन्होंने सिर्फ एक जनरेशन तक ही स्टडी नहीं करी कि मतलब एक पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, बस उनको स्टडी नहीं करी. ही परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट अप टू सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन. सो दिस वॉज ऑल्सो हेल्पफुल, दिस वॉज ऑल्सो द रीजन बिहाइंड इट सक्सेस. He performed his experiment for second and third generation. कई generation तक, second and third generation तक उन्होंने अपने experiment को perform किया. Third reason was कि he maintained statistical record of his experiment. जिन्होंने, उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए सारे मैंने बताया कि ही, उन्होंने क्या किया था, ही यूज्ड हिज मैथमेटिकल नॉलेज, ही यूज्ड द मैथमेटिकल बेसिस टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमेना. तो उन्होंने क्या किया था, ही मेंटेन्ड द स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट. ही मेंटेन्ड द statistical record of his experiments. जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसका स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन किया. उसके अलावा उन्होंने जो प्लांट, जो क्रॉस ब्रीडिंग परफॉर्म की थी, उन्होंने जो पेरेंट जनरेशन की क्रॉस ब्रीडिंग ली थी, डेट दोज प्लांट्स दे बिलोंग टू द प्योर लाइन्स, राइट? तो उन्होंने जो क्रॉस ब्रीडिंग परफॉर्म की, वो परफॉर्म की बिटवीन द प्योर लाइन. सो ही परफॉर्म क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन प्योर लाइन प्लांट्स. मतलब कि मान लो उन्होंने एक मेल प्लांट लिया और एक फीमेल प्लांट लिया, राइट? और हम एक कैरेक्टर को, जैसे बता रही हूं मैं कि उन्होंने एक बार में एक ही कैरेक्टर को स्टडी करी, तो सपोज यहां पे कैरेक्टर जो हम उन्होंने लिया, सपोज वो कैरेक्टर था हाइट, प्लांट की हाइट, ठीक है, प्लांट हाइट. तो जो मेल प्लांट लिया, वो प्लांट जो है टॉल था, और जो फीमेल प्लांट लिया, वो प्लांट जो थी शॉर्ट प्लांट थी या ड्वार्फ प्लांट थी. तो ये जो टॉल प्लांट में जो टॉलनेस के जीन्स थे, ठीक है, ये दोनों जो जीन्स एक सेल में क्या होता है, किसी भी एक सेल में डिप्लॉयड कंडीशन होती है ना, तो दो जीन्स होंगे, दो क्रोमोसोम होंगे एक उसके लिए, एक कैरेक्टर के लिए अगर, तो जो टॉलनेस के जीन्स थे, मान लो टॉलनेस को, प्लांट की हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी से, प्लांट की हाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, ठीक है. तो टॉलनेस जो है वो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, और जो ड्वार्फनेस होती है या शॉर्टनेस होती है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी, है ना.
तो जो उन्होंने टॉल प्लांट लिया वो प्योर टॉल प्लांट थे, यानी कि उसमें सारे जो जीन्स हाइट के जो जीन्स थे टॉलनेस के कैपिटल टी थे दोनों, और जो ड्वार्फ प्लांट लिया उसमें दोनों स्मॉल टी थे। अगर यही मान लो कैपिटल टी और स्मॉल टी होता किसी प्लांट में तो क्या होता, दिस प्लांट इज नॉट अ प्योर लाइन प्लांट। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी जो टॉलनेस होता है वो ड्वार्फनेस के ऊपर डोमिनेंट होता है, तो ये प्लांट तो हमें फिजिकली तो ये हमें टॉल दिखेगा, जब इसका फिजिकल अपीयरेंस आप देखोगे मॉर्फोलॉजिकली इट विल अपीयर टॉल, लेकिन अगर इसका जीनोटाइपिक स्टडी करेंगे इसका जीनोटाइप देखेंगे तो आप देखोगे कि एक कैपिटल टी प्रेजेंट है और एक स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो अगर दोनों मतलब रेसेसिव ट्रेट भी प्रेजेंट है तो इट विल नॉट बी सपोज्ड, इट विल नॉट बी नोन एज द प्योर लाइन प्लांट, राइट? सो दिस इज द प्योर लाइन प्लांट। तो इन्होंने क्या किया था, ही परफॉर्म क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द टू प्योर लाइन प्लांट, यानी कि जो जीन्स होंगे वो एक जैसे होने चाहिए, अगर कैपिटल टी है तो दोनों कैपिटल टी होना चाहिए, स्मॉल टी है तो दोनों स्मॉल टी होना चाहिए। और उसके अलावा एक और रीजन था कि ही डेल्ट विद लार्ज सैंपल साइज, डेल्ट विद लार्ज सैंपल साइज, राइट? सो दिस वॉज द रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। एक रीजन और था, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था, ही वॉज लकी टू सेलेक्ट पी प्लांट। एंड वट वॉज द रीजन, वट वॉज द एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट, लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट्स, क्योंकि इसके अलावा उन्होंने और भी प्लांट्स को सेलेक्ट किया था, उस पर भी स्टडी करी थी, बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन दोज प्लांट, बट इन केस ऑफ पी प्लांट ही बिकेम सक्सेसफुल। सो वट वर द एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट, लेट्स सी। तो पहला क्या था कि सेलेक्टिंग पी प्लांट, जो पी प्लांट होता है एक तो ये एनुअल प्लांट होता है, यानी कि एक साल के अंदर ही जो है ये प्लांट जो है आपको फ्रूट देगा, सीड देगा, राइट? दूसरा क्या होता है, इसका शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, इस प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है बहुत शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, 3 to 4 months इज द लाइफ साइकिल ऑफ दिस प्लांट। तो 3 से 4 महीने के अंदर ही आप किसी इसके प्लांट के बीज को आप उगाओगे और आपको प्लांट मिलेगा, और आप इसके फ्लावर एंड फ्रूट एंड देन यू विल गेट द सीड फॉर द अगेन। तो 3 से 4 महीने के अंदर ही आप उस प्लांट के प्रोडक्ट को पा सकते हो, ठीक है? सो अनदर इम्पॉर्टेंट अनदर रीजन एडवांटेज इज द शॉर्ट लाइफ साइकिल। उसके अलावा इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेटर, एक तो ये कंप्लीट फ्लावर था एंड इट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग। कंप्लीट फ्लावर मीन्स ऑल द फ्लोरल पार्ट्स आर प्रेजेंट, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमल्स एंड स्टिल। एंड द अनदर रीजन इज दैट दे आर सेल्फ पॉलिनेटिंग। सेल्फ पॉलिनेटिंग होने से, सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है, अगर द प्लांट बाई कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन वी कैन गेट द प्योर लाइन ऑफ द प्लांट, ठीक है? दूसरा रीजन और क्या था कि प्योर लाइन के प्लांट भी हमें इसमें मिले। पी प्लांट्स में क्या होता है, यू कैन गेट द प्योर लाइन प्लांट्स। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज दैट कि इन पी प्लांट्स इजिली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ट्रेट्स आर प्रेजेंट। पी प्लांट में क्या आता, जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं दे कैन बी इजिली डिटेक्टेड बाय द नेकेड आई, हम आराम से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फ्लावर कलर दो तरीके के होते हैं, व्हाइट और पर्पल, तो व्हाइट और पर्पल के बीच में तो आपको कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। अगर जैसे व्हाइट फ्लावर हो और हल्का सा ऑफ व्हाइट कलर फ्लावर हो, थोड़ा डल व्हाइट हो, तो डिफिकल्टी होती है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दोज टू कलर्स, बट दे आर टोटली डिफरेंट कलर्स। या स्टेम की हाइट है तो टॉल होगी, स्टेम की हाइट डॉर्फ होगी, तो आप जस्ट नेकेड आई से यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द दीज टू ट्रेड्स। सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज दैट इजली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ प्रेजेंट। इजिली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग ट्रेड्स वर प्रेजेंट है।
और क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, जिससे कि आप जो है यू कैन इजिली परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. एक एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस होंगे जिनको कि आप फर्दर ग्रो करके लार्ज सैंपल साइज में आप जो है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे और ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करोगे. नाउ लेट्स सी द क्रॉसिंग टेक्निक्स, क्रॉसिंग टेक्निक्स यूज्ड बाय मेंडल. तो मेंडल ने क्रॉसिंग टेक्निक्स यूज्ड बाय मेंडल, तो उन्होंने क्या क्या क्रॉसिंग टेक्निक परफॉर्म की. उन्होंने तीन स्टेप में परफॉर्म किया था. पहले तो उन्होंने क्या किया, ही सेलेक्टेड द प्योर लाइन प्लांट, ही सेलेक्शन ऑफ प्योर लाइन प्लांट, ठीक है, प्योर लाइन प्लांट का सिलेक्शन किया. प्योर लाइन्स कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, प्योर लाइन प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन फॉर सेवरल जनरेशन, ठीक है. प्योर लाइन्स प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन फॉर सेवरल जनरेशन. राइट. दूसरा क्या था, उन्होंने ये परफॉर्म, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन्स एंड हाइब्रिडाइजेशन अमंग देम, बिटवीन देम एंड हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन देम, ठीक है, उसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन किया. सेकंड क्या था, ही परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन इन F1 हाइब्रिड्स टू ऑब्टेन F2 ऑफस्प्रिंग्स, परफॉर्म्ड सेल्फिंग और सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन F1 हाइब्रिड्स टू ऑब्टेन F2 ऑफस्प्रिंग्स. और थर्ड स्टेप क्या था, अगेन ही परफॉर्म्ड सेल्फ पॉलिनेशन, फर्दर ही परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन इन बिटवीन, सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन F2 हाइब्रिड्स टू गेट F3 ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है. सो दीज वर द क्रॉसिंग टेक्निक्स विच वर यूज्ड बाय मेंडल. अब आप देख रहे हो बेटा कि बीच बीच में कई कुछ ऐसे टर्म्स आ रहे हैं जो आप सोच रहे होगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F1 हाइब्रिड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F2 ऑफस्प्रिंग. तो लेट्स सी सम टर्मिनोलॉजी विच आर यूज्ड इन जेनेटिक्स, राइट. सो हियर आई एम गिविंग अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द टर्मिनोलॉजी, जनरल टर्म्स विच आर यूज्ड इन जेनेटिक्स. द फर्स्ट आपका आ गया, द नंबर वन इज जीन. व्हाट इज जीन, जीन्स क्या होते हैं, जीन्स आर द हेरिडिटरी यूनिट विच आर प्रेजेंट ऑन डीएनए इन क्रोमोसोम्स, ठीक है. ये क्रोमोसोम हुआ मान लो, दिस इज अ क्रोमोसोम, ठीक है. क्रोमोसोम किससे बनाता है, अगर इसको क्रोमोसोम कंट्रोल करें तो डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स प्रेजेंट होता है, टू डीएनए स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड टुगेदर, तो इस तरीके से एक क्रोमोसोम जो है इट इज मेड अप ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड्स, दिस इज डीएनए. अब इतना डीएनए मान लो हम लेते हैं, तो सपोज दिस इज द डीएनए, डीएनए पे स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं, स्मॉल पीसेज ऑफ सेगमेंट्स आर प्रेजेंट. Each piece of DNA it is responsible for the synthesis of a particular protein. और ये protein जो होता है it controls a particular character.
सो दिस ईच पीस ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन्स. ये जो डीएनए का ये जो पीस है इसको क्या बोलते हैं, जीन्स. तो हर डीएनए पे, एक डीएनए स्ट्रैंड पे कई सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और हर जीन जो है, ईच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन, फॉर सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन विच कंट्रोल्स द कैरेक्टर, विच कंट्रोल्स रेगुलेट्स द कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सो वट इज एंड दिस जीन इज transmitted from one generation to the another generation, which is responsible for the controlling of the character, which is responsible for the expression of the traits, expression of the characters in the organism. So genes are the hereditary units. What are genes? Genes are hereditary. What are genes? Genes are the hereditary unit. ठीक है, हेरिडिटरी यूनिट एंड विच कैरीज कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, कैरीज कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. Second is एलेल्स. सपोज अब हम इसको साथ में ना एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे ताकि आपको थोड़ा समझ में आए. मान लो हम एक कैरेक्टर प्लांट हाइट लेते हैं, ठीक है. प्लांट हाइट का जीन्स को के जीन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, राइट. तो एग्जाम्पल प्लांट हाइट, प्लांट हाइट का जीन्स है दिस इज टी, ठीक है. अब ये नेक्स्ट आ गया आपका एलेल्स. एलेल्स क्या होते हैं? एलेल्स आर दीज आर द अल्टरनेट ट्रेट ऑफ अ जीन पेयर. अब क्या होता है कि प्लांट हाइट जो होती है वो टॉल भी हो सकती है और डॉल भी हो सकती है, राइट. तो दिस टॉलनेस एंड दिस ड्रॉपनेस इट इज नोन एज द ऑल्टरनेट ट्रेट ऑफ अ कैरेक्टर और द ऑल्टरनेट ट्रेट ऑफ अ जीन पेयर. जीन क्या होता है, हमेशा जीन पे जो ट्रेट्स होते हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द पेयर्ड फॉर्म. किसी भी जीन्स पे ट्रेट्स जो है हमेशा पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं. सो व्हाट आर एलील्स? एलील्स आर द ऑल्टरनेट ट्रेट्स ऑफ अ जीन पेयर. तो अब ये जो प्लांट हाइट है ये इसका क्या होगा, इसमें इसके दो ट्रेट्स होते हैं, या तो दोनों ही टॉलनेस टॉल है या फिर स्मॉल टी स्मॉल टी होगा या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब डबल कपल के पेयर के फॉर्म में ये जो ट्रेट्स जो है ये प्रेजेंट रहेंगे. तो एलील्स क्या हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया एलील का, एग्जाम्पल एलील कैसे डिनोट करेंगे, व्हाट आर एलील? तो ये जो टी है या तो ये टी हो गया एलिन या फिर ये स्मॉल टी, दीज आर द एलील्स. तो दो एलील्स प्रेजेंट होंगे. एक जीन पे कितने एलील प्रेजेंट होते हैं? दो, कभी कभी, बट देर आर दे कैन बी प्रेजेंट मोर देन टू एलील्स ऑल्सो ऑन अ जीन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में. मल्टीपल एलील्स बोलते हैं उसको. नेक्स्ट इज होमोजाइगस ट्रेट. थर्ड इज होमो जाइगस ट्रेट. होमोजाइगस ट्रेट क्या होता है? जब सिमिलर एलील्स आर प्रेजेंट फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट. होमोजाइगस ट्रेट का मतलब क्या हुआ? व्हेन सिमिलर एलील्स प्रेजेंट फॉर स्पेसिफिक ट्रेट. जैसे कि या तो टी और टी प्रेजेंट रहे, एग्जाम्पल आइदर टी और टी प्रेजेंट रहे और स्मॉल टी प्रेजेंट है,
तब ये क्या होंगे, देन दे विल शो द होमोजाइगस ट्रेट. तो होमोजाइगस ट्रेट जो होते हैं ना, दे विल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट. गैमेट में क्या होता है, हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट. तो इसके जो गैमेट बनेंगे, इसमें भी दो गैमेट बनेंगे, एक में भी, दोनों में क्या होगा, दोनों कैपिटल टी होंगे. इसके भी जो दो गैमेट बनेंगे, दोनों में क्या होगा, स्मॉल टी होगा. तो देख रहे हो आप जो गैमेट बन रहा है, ये प्लांट जो बना रहा है गैमेट, इसमें एक ही तरह के गैमेट है. ये प्लांट जो गैमेट बना रहे हैं, सारे एक तरीके के. तो यानी कि होमोजाइगस ट्रेट्स में क्या होगा, यू विल गेट सिंगल टाइप ऑफ सिंगल गैमेट. ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट यू कैन राइट, ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट. राइट, फोर्थ आ जाओ हेटरोजाइगस ट्रेट. हेटरोजाइगस ट्रेट में क्या होता है, डिसिमिलर एलील्स फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट्स आर प्रेजेंट. हियर डिसिमिलर एलील्स, स्पेसिफिक ट्रेट इज प्रेजेंट. ठीक है, जैसे कि मान लो ये हो गया, एक देख रहे हो आप कैपिटल टी, एक एलील कैपिटल टी के थ्रू प्रेजेंट हो रहा है, एक रिप्रेजेंट हो रहा है, एक एलील स्मॉल टी. तो इसमें क्या होंगे, दिस इज नोन एज द हेटरोजाइगस ट्रेट. अब इनके, अब ये जो गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, जब ये गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, तो आप देखोगे दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस होंगे, एक गैमेट में कैपिटल टी होगा और एक में स्मॉल टी होगा. यानी कि दे आर एबल टू प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट, राइट. तो दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स. ये हो गया हेटरोजाइगस ट्रेट. डोमिनेंट ट्रेट विच अपियर्स इन F1 जनरेशन, वॉट इज डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट इज द ट्रेट विच अपियर्स इन F1 जनरेशन. अभी जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस जो मंडल ने परफॉर्म किया था उसको स्टडी करेंगे, तब आप देखेंगे कि आप अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे कि व्हाट इज डोमिनेंट ट्रेट एंड व्हाट इज रिसेसिव ट्रेट. ठीक है, तो डोमिनेंट ट्रेट्स जो होते हैं ना, दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. डोमिनेंट ट्रेट्स दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. तो अब बताओ आप, जो मैंने यहां पे बनाया है, इसमें विच ट्रेट इज डोमिनेंट ट्रेट, दिस कैपिटल टी, इट इज डोमिनेंट ट्रेट. सो एग्जांपल कैपिटल टी, दिस इज डोमिनेंट ट्रेट. नेक्स्ट इज रेसेसिव ट्रेट. रेसेसिव ट्रेट क्या होता है, दे आर नॉट अपियर इन F1 जनरेशन. रेसेसिव ट्रेट, They do not appear in F1. This is a trait does not appear in F1 generation, and it is denoted by small letter. ये small letter से denote किया जाता है, example small t. ठीक है,